वेलकम टू हेम सिंह टेक्निकल चैनल। आज हम आपको एनिमेशन के जरिए बंदूक या पिस्तौल का मैकेनिज्म बताएंगे। ये हमारी मैगजीन है, ये फ्लावर है और स्प्रिंग है। एक फ्लावर में सारी गोलियां पुट कर दी जाती है, स्प्रिंग के प्रेशर से होल्ड हो जाती है। उसके बाद मैगजीन को जैसे ही हम पिस्तौल में डालते हैं तो गोलियां ऑलरेडी स्प्रिंग की वजह से शेड्यूल में रहती है। ये इंटरनल पार्ट्स है, स्लाइडर, रिकॉल, स्प्रिंग। स्प्रिंग के प्रेशर से बैक आने पर ऑटोमेटिक मैगजीन से स्प्रिंग का जो दबाव है उसकी वजह से वन बाय वन ये स्लाइडर बैक हुआ, हैम्बर डाउन गया और स्प्रिंग जो मेन स्प्रिंग है मैगजीन का उसकी वजह से एक जो गोली है वो ऊपर आ जाती है। ये सीयर है, ये वन बाय वन स्लाइड करती है। ये देखिए जैसे ही इसका स्प्रिंग का प्रेशर आएगा तो सीयर, लीव स्प्रिंग और हैम्बर इनका कम्युनिकेशन से एक गोली पुट हो जाएगी अपर स्लाइड रोल में और रिकॉल स्प्रिंग, स्प्रिंग अपनी जगह पे ले आएगा उसको। उसके बाद जैसे ही रिकॉल स्प्रिंग होगा तो हैम्बर अपनी जगह पे आ जाएगा और गोली को ट्रिगर करेगा। प्रोजेक्शन एंड बैरल की जो नली है वो अपनी जगह आके फिक्स हो जाएगी। उसी तरह से रिकंसोल होगा, देन नेक्स्ट जो गोली है वो मैगजीन से मेन नली में आ जाएगी। एक्सट्रैक्टर बैक साइड से गोली को लाके पूरी स्लाइड में फिक्स कर देगा। टोटली एनिमेशन के जरिए आपको एक एक चीज दिखाई गई है। ये ट्रिगर है, ट्रिगर सीयर को पुट करेगा और हैम्बर रिलीज हो जाएगा और फायरिंग पिन पे आकर टच करेगा। फायरिंग पिन पे टच करते ही फायरिंग पिन प्राइमर में पुट होगी और जो कारतूस है उसमें विस्फोट हो जाएगा। जो उसमें बारूद भरा हुआ है उस पर ट्रिगर आएगा और स्प्रिंग के दबाव से उसमें बारूद गन पाउडर जो रहेगा उसमें बारूद के रूप में वो फायर हो जाएगा और जो बुलेट है फ्रंट पे जो लगी होती है वो नली में उस एयर और गैस के प्रेशर से फायर हो जाएगी। इस तरह से एनिमेटेड आप एनिमेशन के जरिए एक पिस्तौल कैसे फायर करता है बुलेट को वो हमने आपको दिखाया। ये केवल इंटरटेनमेंट और नॉलेज पर्पस वीडियो है जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं एनिमेशन से कि एक बुलेट कैसे काम करता है। हमने लगभग पहलू आपको इस एनिमेशन के अंदर डिस्प्ले किए। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी और भी ऐसे एनिमेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये दोबारा आपको बुलेट का फायर जैसे पिन पे होगा तो लास्ट में जो खोल बचेगा वो नेक्स्ट ट्रिगर के समय आउट कर दिया जाएगा। ये बाहर फेंक देगा और नेक्स्ट बुलेट अपनी जगह में रिकंसोल हो जाएगी। इस तरह से स्लाइडर, हैम्बर ये प्रक्रिया को रिवर्स करते रहेंगे। फेक जो बुलेट खोल होगा, बुलेट तो फायर हो जाएगी, जो उसका बारूद वाला खोल है वो बाहर की तरफ फेंक दिया जाएगा। ट्रिगर और सेयर एक के बाद डिस्कनेक्ट होते जाएंगे और हैम्बर रिवर्स अपने पोजीशन में आ जाएगा और फायर पिन को क्लिक कर देगा। जैसे ही रिकंसोल प्रक्रिया होगी तो ट्रिगर हैम्बर को फिर पुट कर देगी डाउन में, नेक्स्ट ट्रिगर के लिए और रिकंसोल हो जाएगा। लीव द स्प्रिंग, ये पूरी प्रोसेस हमने एनिमेशन के जरिए आपको दिखाया। तो वीडियो कैसी लगी उसके लिए लाइक बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि हम आगे भी आपके लिए